और जी दोस्तों, गिलगित की मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और अभी हम लोग सरीना होटल में खड़े हैं। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्रेकफास्ट से पहले एक छोटा सा व्लॉग हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो बाहर का व्यू है वो मतलब कैप्चर किए बगैर ना कि मतलब रहा ही नहीं जा रहा ना। इतना खूबसूरत वेदर है इस टाइम और इतना खूबसूरत व्यू हो रहा है कि जो बर्फ़ पड़ी हुई है सारी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देखें कि कितना खूबसूरत व्यू है नीचे सरीना होटल के बाहर, और सामने देखें पहाड़ी पे बादल देखें नीचे आए हुए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत वेदर है, आउट क्लास वेदर है ना, मतलब आखिरी हो गया। हमने ये सब सीनरी वगैरह में देखा था आज से पहले और आज लाइव देख रहे हैं कि यार वाकई अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी ज़्यादा खूबसूरती बनाई है। तो उम्मीद है कि जो खूबसूरती हमें इतनी पसंद आ रही है, जो हमने सीनरी में देखी है, वो हम यहाँ पे लाइव आके देख रहे हैं। तो आप लोग भी आएँ, इधर अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, घूमने वाली जगह है और बहुत खूबसूरत वेदर है। कराची वालों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत वेदर है क्योंकि कराची में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। और हम जब यहाँ आए तो काफ़ी वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। हमें कल 2-3 लोग यहाँ के मिले थे, वो कह रहे थे कि भाई ये कराची वालों के लिए इनफ है सर्दी, कराची वाले इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें देखो हम इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हमने कोई हाई फाई चीज़ें नहीं पहनी, नॉर्मल सी एक जैकेट पहनी है लेदर की, नीचे टी शर्ट्स वगैरह पहनी है। तो इंजॉय कर रहे हैं वेदर। तो चलें मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। पीछे तो बनाने तो दो, कह रहे सही से निकालना है नाश्ता। मुझे कुछ मैं खाती नहीं हूँ तो इसलिए जैम। एक सेकंड, आप क्या ले रही हैं? मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। और आप क्या निकाल रही हैं नाश्ते में? मैं यहाँ पे बुफे एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, और मुझे बहुत यम्मी, लुक एट दिस, ये मैं खाने के बाद खाऊंगी, नाश्ते के बाद खाऊंगी। वेदर कैसा लग रहा है आपको? व्हाट इज ये? चिकन का बहुत मजे का सालन है जो कि अभी मैं कुछ देर में आपको खा के भी दिखाऊंगी और निकाल के भी दिखाऊंगी। बस हाँ बस ये